हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर मंथ में बॉलीवुड की आने वाली 6 फिल्मों के बारे में जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ए, आते हुए बिस्किट ले बर्फ लेकर आना। ए, तू फ्रिज में क्यों नहीं जमाती बर्फ? तेरी गर्लफ्रेंड के आगे ना तेरी इज्जत जमा दूंगी मैं। नंबर 6, गोविंदा नाम मेरा। ये हिंदी लैंग्वेज की एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी होने वाली है, जहां पर इस मूवी को डायरेक्ट शशांक केतान करने वाले हैं। जिस मूवी की लीड स्टार कास्ट में विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर एंड कियारा एडवानी दिखाई देने वाली है। फिल्म का ट्रेलर भी आउट किया जा चुका है, जहां पर इस मूवी के ट्रेलर में हमें काफी भर भर के कॉमेडी और एंटरटेनमेंट देखने को मिला है। फिल्म का ट्रेलर ठीक ठाक है, अब देखते हैं ये मूवी कैसी होगी। साथ ही इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 16 दिसंबर को रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 5, ब्लरिया एक अपकमिंग हॉरर थ्रिलर मूवी होने वाली है, जहां पर यह फिल्म ईयर 2010 की स्पेनिश मूवी जूलिया जायज का ऑफिशियली रीमेक होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट अजय बेल करने वाले, जिसमें तापसी पन्नू, गुलशन देवैया एंड कृतिका देसाई देखने को मिलने वाले। फिल्म में तापसी पन्नू पहली बार डबल रोल में नजर आने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट भी कन्फर्म हो चुकी है, जहां पर इस मूवी को 9 दिसंबर को G5 पर रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 4, गुड बाय ये ईयर 2022 की एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, जहां पर इस मूवी को डायरेक्ट विकास बेल ने किया था। जिस मूवी की लीड स्टार कास्ट में नीना गुप्ता, अमिताभ बच्चन एंड रश्मिका मंदाना दिखाई दी थी। फिल्म को इसी साल रिलीज किया गया था, जहां पर यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो उतना कुछ कमाल नहीं कर पाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अनसक्सेसफुल मूवी साबित रही। तो इस मूवी को 2 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाने वाला है। किसी ने सोचा कि उन्हें क्या चाहिए था? वो कैसे जाना चाहती थी? कैसे उन्हें क्रिमेशन चाहिए था? ये कोई बर्थडे नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह सेलिब्रेट करना चाहता। नंबर 3, थ्रेडी ये एक अपकमिंग रोमांटिक थ्रिलर मूवी होने वाली है, जहां पर इस मूवी को डायरेक्ट शशांक घोष करने वाले हैं। जिस मूवी की स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन एंड अलाया एब देखने को मिलने वाली है। फिल्म का ट्रेलर भी आउट किया जा चुका है, जहां पर इस मूवी के ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर एंड कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है, जिसमें कार्तिक आर्यन जो कि एक डेंटिस्ट साइको किलर के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। फिल्म को 2 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाने वाला है। तो इस मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो। नंबर 2, इंडियन लॉकडाउन ये एक अपकमिंग ड्रामा मूवी होने वाली है, जहां पर इस मूवी को डायरेक्ट मधुर भंडारकर करने वाले हैं। जिस मूवी की स्टार कास्ट में श्वेता बासु प्रसाद, आहना कुमरा, प्रतीक बब्बर, साई तमनकर एंड प्रकाश बेलावाड़ी नजर आने वाले। फिल्म की कहानी COVID-19 पर बेस्ड होने वाली है कि COVID-19 के वक्त देश के लोगों ने किन किन परिस्थितियों का सामना किया था। फिल्म को 2 दिसंबर को G5 पर रिलीज किया जाने वाला है। तो इस मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो। 30-40 किलोमीटर रोज पैदल चलना पड़ेगा। एक तो सारा लॉकडाउन में धंधा बंद, मेरी माँ को मैं क्या भेजेगी पैसा। नंबर 1, कला ये एक अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी होने वाली है, जहां पर ये फिल्म इरफान खान के सन बाबिल खान की फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू मूवी होने वाली है। जिस फिल्म को डायरेक्ट अनविता दत्त गुप्ता करने वाली है, जिसमें बाबिल खान के अलावा तृप्ति डिमरी हमें देखने को मिलने वाली है। फिल्म की कहानी 1930 से 1950 के बीच के एक सिंगर की कहानी होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर भी आउट किया जा चुका है, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। अब देखते हैं ये मूवी कैसी होती है। फिल्म को 1 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाने वाला है। तो कला मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो। तो बॉलीवुड की इन 6 फिल्मों में से आपको किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है? इसके अलावा आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।